बिजली विभाग के समस्त कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से लगातार की गई मांगों के निराकरण को लेकर प्रदर्शन जारी है, जबकि प्रदेश सरकार ने ऊर्जा विभाग के तहत काम करने वाली सभी कंपनियों के संविदा और नियमित कर्मचारियों पर एस्मायक लागू किया। प्रदेश सरकार ने अगले 3 महीने तक कोई कर्मचारी काम से इनकार नहीं कर सकेगा, इस्मा लगाकर हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को सरकार ने दी सख्त चेतावनी। सरकार के साथ 4 दौर की बातचीत और प्रदर्शन के बाद भी कोई हल न निकलने से कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बन सकते हैं ब्लैकआउट जैसे हालात। एस्मायक लागू होने के बाद भी बिजली कर्मचारी हड़ताल कर अपनी मांगों के निराकरण को लेकर अड़े हुए हैं। मैं वीकेएस परिहार, अध्यक्ष यूनाइटेड फोरम। यही है कि हमारी जो मांगे हैं 8-9, हम लगातार 1-2 साल से प्रयास कर रहे हैं कि इनका निराकरण नहीं हो जाए, लेकिन नहीं हुए है, इसलिए हम ये आज इंडेफिनेट स्ट्राइक पे गए हैं। मुख्य मांगे हैं दो, एक तो प्राइवेटाइजेशन जो शुरू हो रहा है जैनपुर ट्रांसकॉम में, उसको ख़त्म किया जाए, पेंशन की व्यवस्था, DR का ऑर्डर, O3 स्टार को हटाया जाए, संविदा को नियमित किया जाए, उनकी संविदा पॉलिसी भी सही तरीके से लागू की जाए, आउटसोर्स की सैलरी बढ़ाई जाए, उनका बीमा किया जाए, ऐसी कई मांगे हैं जिनके लिए चुनाव से तो हमें कोई लेना देना नहीं। अभी 2 महीने हैं चुनाव के, हम तो दो दिन हम काम नहीं करेंगे तो हमारी मांगे पूरी होना है, इसलिए अपन निश्चिंत है, चुनाव के बहुत दिन हैं। नहीं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 60-70 हज़ार लोग हड़ताल पे हैं, लगभग पूरे मध्य प्रदेश के, ये केवल भोपाल में नहीं है, और 50 हज़ार पेंशनर्स भी हैं, वो भी इनमें बहुत से लोग आके यहाँ बैठे हुए। स्ट्राइक चल रही है पूरे प्रदेश में और हम 8 सूत्री मांगों को लेकर के स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसमें O3 स्टार विलोपित करना, पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था करना, ऐसी तमाम जो हमारी छोटी छोटी मांग है उनको सरकार पूरा कर सकती है, लेकिन हठधर्मिता अपनाए हुए पूरा नहीं कर रही है। पावर हाउसेस में हमारी ये स्थिति है कि सभी विद्युत गृह में 24 घंटे से लगातार कर्मचारी अंदर बैठे हुए हैं, उनको पानी की बॉटलें चढ़ रही हैं, ऐसी स्थिति हो गई, उसके बाद भी असंवेदनशीलता सरकार दिखा रही है, ये समस्या परे है। ज्ञापन पत्र, मीटिंग, सब कुछ कर रहे हैं। अभी 13 अगस्त को यहाँ पर 15,000 विद्युत कर्मी गोविंदपुरा में इकट्ठे भी हुए, किसी MD MPP MCL ने, लेकिन किसी भी बिंदु पे कोई समाधान नहीं किया उन्होंने। हमने ध्यानाकर्षण किया सरकार का, 15,000 लोगों को हमने यहाँ पूरा एकत्रित किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार धर्मिता अपनी रखे हुए।